ये तस्वीरें मानवता की मिसाल है। पीठ पर एक बच्ची को लादे दिख रहा ये शख्स मध्य प्रदेश की 108 वाहन सेवा का एक स्टाफ है। हर कोई 108 वाहन सेवा से जुड़े लोगों को सलाम कर रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ढिंडोरी की है। दरअसल यहाँ के रामगुड़ा गांव से एक फोन आया कि 13 साल की बच्ची को इलाज की तत्काल जरूरत है। बस फिर क्या था, 108 वाहन सेवा स्टाफ से जुड़े सतीश और संतोष वाहन लेकर गांव रवाना हो गए। लेकिन गांव से करीब 2 किलोमीटर पहले लगातार बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ हो गया था, जिसकी वजह से वाहन को आगे ले जाना संभव नहीं था। ऐसे में वाहन सेवा के ड्राइवर और स्टाफ ने सूझबूझ का परिचय दिया। दोनों पैदल ही गांव तक पहुंचे और बीमार बच्ची को पीठ पर लादकर वापस वाहन तक पहुंचे और अस्पताल लेकर गए। गाड़ी वहीं किनारे खड़ी किए और फिर परिजन के घर तक गए पैदल। उसके बाद वहां जाके पूछे उनसे कि कोई साधन बन पाएगा ले जाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि अभी यहाँ कोई साधन नहीं बन पाएगा। तो उन्हीं की मदद से हम एक दूसरे के कम से कम 3 लोग परिजन के साथ, फिर हमारे EMT साहब हैं उनके साथ में मिलके एक दूसरे के कंधे के सहारे लेते हुए गाड़ी तक लेके आए, कम से कम 1.5 किलोमीटर। बीमार बच्ची के परिवार वाले भी बच्ची को अस्पताल पहुंचाने वाले 108 वाहन सेवा के स्टाफ के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। तो ऐसे समय समय पर हमारे 108 स्टाफ जो वहाँ पर जाते हैं, जिस तरीके से ये गए और वहाँ पर स्पाइन बोर्ड पे लेके आते थे, मगर पेशेंट दो होने के कारण जो है अपने कंधे पर लेके आए हैं और काफ़ी सराहनीय काम किया। और इसी तरीके से हमारा स्टाफ जो है समय समय पर हेल्प करता है। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि किसी भी पेशेंट को हमारी वजह से किसी तरीके से हानि ना हो और समय पर उसको इलाज मुहैया कराया जा सके हमारे द्वारा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब 108 वाहन सेवा के स्टाफ ने मुश्किल भरे हालात में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया है। इससे पहले भी कई मौकों पर इनकी बहादुरी और जज्बा देखने को मिला है।